ऐसी शख्सियत को कॉल करने के लिए आप लोगों से गुजारिश है कि इंडियन कल्चर के हिसाब से जोरदार ताली और जोरदार म्यूजिक के साथ जोरदार शोर शराबे के साथ मैं सर को कॉल करना चाहूंगा। सो लाउ वेलकम ऑन द स्टेज आवर ग्रेट गुरु मिस्टर पंकज सर। कान खोल के रखें, दिमाग को यहीं रखना, बॉडी और माइंड जिसका प्रेजेंट होगा वही आने वाले कल का डायमंड होगा। यस या नो? यस या नो? तो आप मैं माइक हैंड ओवर करना चाह रहा हूं सर को और जोरदार म्यूजिक और जोरदार तालियों के साथ अगली बात सर की होगी। जोरदार तालियों के साथ सर को माइक हैंड ओवर करें। नमस्कार दिल्ली। अच्छा ऐसे कितने लोग हैं जो मेरे को पहली बार सुन रहे हैं इस तरीके से? सारे लोग हैं, चलो बहुत बढ़िया। तो दोस्त मैं कोई टीचर नहीं हूं, ना ही मैं कोई ज्यादा बड़ा वैज्ञानिक हूं, ना ही कोई ज्यादा बड़ा ज्ञानदाता हूं। मैं आप ही लोगों के बीच में से हूं और आपसे केवल थोड़े समय के लिए बात करने आया हूं, क्योंकि कई सारे लोग ऐसे बैठे होंगे जो यहां पर मेरे से उम्र में बड़े हैं और कई सारे लोग ऐसे बैठे होंगे जिनको अपने क्षेत्र में मेरे से कई गुना तजुर्बा ज्यादा होगा। यस सर नो? मैं केवल बातचीत करने आया हूं मेरे दोस्त इस बिजनेस के बारे में, क्योंकि आप अपने क्षेत्र में पहले से मार दिए हैं। मुझे बिजनेस को करते हुए 6 साल और 2 महीना हो गया है और मैं आपको कोशिश करूंगा कि आप यहां से जब जाओ तो एक बहुत बड़ा भरोसा लेकर के जाओ। यस या नो? अगर आपको कोई बात अच्छी लगती है तो आप यस कह सकते हो और अगर कोई बात समझ नहीं आती है तो आप नो बोल सकते हैं। बोल सकते हैं कि नहीं? यदि किसी भाई या बहन को बोलने में प्रॉब्लम है तो वो अपनी गर्दन को हिलाते रहना तो मैं सोचूंगा कि ये सुन तो रहा है लेकिन बोल नहीं पा रहा है। यस या नो? और उम्मीद है सारे लोग जवाब देंगे। अगर हमारे घर कोई अगर वाले रिश्तेदार बीमार आ जाता है कोई भी और वो बोले और बताओ क्या हाल चाल है, तो आप बोले बस ठीक है, बोला अंदर ही अंदर बोल दें तो मुझे बताइए ऐसे अच्छा लगता है क्या? यस या नो? तो आप यस या नो बोलेंगे तो मैं आपको गारंटी इस बात की दे सकता हूं कि जब आप उठ के जाओगे यहां से एक बात कंफर्म होगी कि यू विल बिकम अ योर डायमंड, आप डायमंड बन जाओगे मेरे, डायमंड बन सकते हो। थैंक यू। और मैं कोई लंबी चौड़ी बातें नहीं करने आया हूं, मैं केवल दो ही बातें आप लोगों से करूंगा कि बिजनेस में आने से पहले मैं क्या था और इस बिजनेस में आने के बाद आज मैं क्या हूं। यस या नो? यस या नो? क्योंकि आप जब गूगल या नेट या यूट्यूब पे सर्च करोगे तो आपको पता चलेगा कि जिस जगह आप और जिस ग्रुप में बैठे हैं और जिस लीडर के सामने बैठे हैं वो नंबर वन लीडर और नंबर वन टीम का लीडर है। इन्होंने वीडियो कर रखी, नहीं मैं आपको बता देता कि हिंदुस्तान के भीतर आज 90 लाख से अधिक लोग काम कर रहे हैं सेफ जॉब में, लेकिन अगर उसमें भी सबसे नंबर वन अगर कोई ग्रुप है तो वो आप ही का ग्रुप है मेरे दोस्त, आप ही का ग्रुप है। थैंक यू। दोस्तों नाम पंकज सिंह है और बेसिकली मैं राजस्थान भरतपुर से बिलोंग करता हूं, लोहागढ़ नगरी
आपने सुनी होगी, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो अगर जानकारी रखते होंगे, जनरल नॉलेज की किताबें पढ़ते होंगे, तो उनको पता चलता होगा राजा सूरजमल की नगरी, यस या नो? तो दोस्त उस जगह से बिलोंग करता हूं और इस बिजनेस में आया था तो आने से पहले कॉन्स्टेबल हुआ करता था आरपीएफ में, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स में, और उस जगह से यहां तक आया हूं। तो दोस्त एक बात तो मैं आपको गारंटेड कह सकता हूं कि आप जब निकलोगे इस हॉल से तो एक बात तो मुट्ठी बांध के निकलोगे, चाहे कुछ भी करना पड़ जाए यार, जब ये बंदा डायमंड बन सकता है तो मैं भी बन सकता हूं डायमंड, आप ऐसे कहकर निकलोगे। थैंक यू। और जिनके हाथ में कोई प्रॉब्लम है वो ताली मत बजाएं, पत्तू जी कह के गए अभी, तालियां वो नहीं बजाते जिनको कोई गम होता है, तालियां वो बजाते हैं जिनके हाथों में दम होता है। थैंक यू। और एक बात मैंने सीखी है कि यदि हम किसी की खुशी में शामिल होते हैं ना, तो परमपिता परमेश्वर हमें उससे कई गुना ज्यादा खुशी देता है, यस या नो? आज आप कोई सी जगह जा सकते थे, आज संडे का दिन है, बहुत सारे घर के काम भी रहे होंगे आपको, यस या नो? लेकिन मेरे दोस्त आज आप इस हॉल में मौजूद हैं और आप परमपिता परमेश्वर से कह भी रहे थे कि भगवान कोई मौका तो दे जिससे मैं जिंदगी बदल पाऊं, यस या नो? और कहा जाता है परमपिता परमेश्वर की मर्जी के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिलता। अगर आप यहाँ पे मौजूद हैं तो वो ईश्वर चाहता है कि आप बिजनेस के भीतर बहुत बड़ा काम करें, बहुत बड़ा काम करें। थैंक यू। दोस्त गांव में एक साधारण परिवार में जन्मा, जैसे हरेक व्यक्ति जन्मता है, और एक लेवल आने के बाद सपने आदमी के हरेक के बड़े होते हैं। इस हॉल में बैठा एक हरेक इंसान कहीं ना कहीं ड्रीमर है और सपने सोचता ही है, यस या नो? यहां से जाने के बाद आप सोचोगे नहीं मेरे दोस्त, यहां से जाने के बाद आप उनको पूरा करोगे, गारंटी देता हूं दोस्त, पूरा करोगे सपनों को। थैंक यू। तो जहां पे हर एक आदमी सोचता है और कैसे कहते हैं कि भगवान कैसे भी एक नौकरी लग जाए, अगर नौकरी लग जाएगी ना तो जिंदगी सेट हो जाएगी, और नौकरी के लिए हम दिन रात एक मेहनत करते हैं, कोई बेचारा लग जाता है और कोई नहीं लगता। मैं जरूर जानना चाहूंगा कितने ऐसे लोग हैं जो गवर्नमेंट सेक्टर में या प्राइवेट सेक्टर में हैं, एक बार हाथ खड़े करो, काफी सारे लोग मेरे दोस्त ही हैं, ठीक है ना? तो आप यकीन करेंगे जब हम नौकरी नहीं लगते ना तो हम भगवान से बोलते हैं, भगवान कोई नौकरी दिला दे, कोई नौकरी दिला दे। लेकिन जैसे ही नौकरी लगती है तो हम अपने आस पड़ोस में दोस्तों को रिश्तेदार को जाकर के जरूर बताते हैं कि तेरे को मालूम मेरी जॉब लग गई है। सरकारी नौकरी आदमी की लगती है, जहां भी जाएगा जिससे भी मिलेगा उसको जरूर बताएगा, यस या नो? लेकिन आप यकीन करें दोस्त, जब आदमी की नौकरी लगती है ना, चाहे वो प्राइवेट लगे या सरकारी लगे, और चार पांच साल तक जब तक नौकरी लगती है तो उसको चारों तरफ से जो है ना एकदम से दुनिया हरी हरी नजर आती है। अब तो मजे आ गए, क्योंकि हम उन लोगों को देखते हैं अपने घर में, अपने गांव में, अपने समाज में, जो लोग सरकारी सेक्टर में होते हैं, नए नए कपड़े पहन के घूमते हैं, या फिर अपने घर में लगातार चेंजेस करते रहते हैं, और हम भी देखते हैं कि हमारी जिंदगी में भी इनकी तरह बदलाव आ जाएगा, यस या नो? तो दोस्त आज आपको बताते हुए बड़ा गर्व महसूस होता है कि आदमी को नौकरी की प्योर सच्चाई होती है ना, वो पांच साल के बाद पता चलती है कि नौकरी कैसी लगी, यस या नो? और असली अगर सच्चाई जाननी है तो उससे पूछो जो नौकरी से रिटायर होकर आया है, और उससे पूछो कि भैया नौकरी कैसी लगी, बताएगा कि नौकरी ऐसी लगी, यस या नो? काफी सारे एम्प्लॉय होंगे यहां पे, जैसे अभी सतीश जी को सुना आपने, LIC के लिए अपना बोनस का इंतजार करते थे। तो दोस्त मैं भी भगवान से कोशिश करता, भगवान नौकरी लग जाए, नौकरी लग जाए, नौकरी लग जाए, और 2007 के भीतर दोस्त भर्ती हुआ था, सबसे कम उम्र का व्यक्ति, और सपना एक ही था, कुछ भी करना पड़ जाए बड़ा करना है,
लेकिन दोस्त आप जब नौकरी लगते हैं ना, तो नौकरी लगने से पहले आपके सपने लाखों के होते हैं, और जिस दिन आपकी नौकरी लग जाती है ना, तो वही लाखों के सपने आपके हजारों में बदल जाते हैं। यस या नो? मैं भी लगातार बहुत बड़े सपने देखता था, और मैं एक ही चीज चाहती थी कि कुछ भी करना पड़ जाए मुझे बहुत बड़ा करना है। लेकिन जैसे ही नौकरी लगा तो दोस्त तनख्वाह वही के वही लिमिटेड। जैसे ही दिन निकलते चले जा रहे थे, 2 साल निकले, 4 साल निकले, 5 साल निकले, 6 साल निकले, 7 साल निकल गए, और निकलने के बाद मैं अपने अकाउंट में ऐसे देखता था कि हे भगवान, इस खाते में 1 लाख रुपए कब होगा? आप भी कहते होंगे यस या नो? और बराबर जैसे ही गाड़ी लाख पे पहुंचने को होती थी, LIC किस चली जाती या फिर कोई ना कोई काम आई जाता है। यस या नो? और दोस्त लगातार भगवान से बोलता, क्योंकि उस समय लगातार मैं ब्लड पे जाया करता था फैमिली को लेकर के, और लग तक लॉन्च हुई थी 2014-13 में लगभग, और मेरा सपना था कि कैसे भी करके 1 लाख रुपए इकट्ठा हो जाएगा तो एक नैनो खरीद लूंगा अपने लिए, जिसमें हम दो और हमारे दो। अभी सारे लोग ऐसे होंगे, सोचते होंगे यस या नो? तो दोस्त यही बराबर सोचते चले जा रहा था, करते चले जा रहा था, लेकिन भगवान से कहता, भगवान कोई मौका दे। और इससे पहले बताते हो, बड़े गर्व होता है दोस्त, मैं आपके मुखर्जी नगर है दिल्ली में, जो बड़ी ज्यादा दूर नहीं है, UPSC की तैयारी किया, ALS में भी मैंने पत्राचार से कोर्स करने की कोशिश करी, BSC अकेडमी में मैंने SSC GGL की तैयारी करी, BPO की तैयारी करी, पैरामाउंट कोचिंग सेक्टर आपके मुखर्जी नगर में मैंने CGL CPF बहुत सारी तैयारी करी। बस एक ही सपना था, क्योंकि नौकरी से दोस्त मुझे इतना पता था कि पंकज ये नौकरी जिंदगी भर ऐसे ही निकल जाएगी, लेकिन तेरा कुछ होगा नहीं। मेरे दोस्त में ड्यूटी जाया करता था रेल मंत्रालय में, और रेल मंत्रालय में जाकर जब देखता था ना, तो वहां पे अमीर लोग आया करते थे और अपने कुत्तों को घुमा के लेके जाया करते थे आकर के, और मैं रात भर ड्यूटी करके आने के बाद अंबेडकर जी खड़े हुए हैं, और आप गए होंगे तो आप देखे होगा, तो और वहीं आके मैं उनकी दीवार पर बैठता था साइड में, और बैठने के बाद देखता था कि कुत्ते आ रहे हैं और जा रहे हैं, लोग घुमा के लेके जा रहे हैं, और मुझे ऐसा लगता था कभी कभी कि भगवान तूने जिंदगी दी क्यों। जब उन लोगों जो कुत्तों को घुमा के लेके जाते थे, और मुझे अभी भी ध्यान है दोस्त, एक पिंक कलर का जो कुत्ता बराबर आता था, वो मेरी तरफ से जीभ निकाल के जाता था बड़ी सी, और वो ये मुझे ऐसा लगता था कि ये मुझे चिढ़ा रहा है, ये कह रहा साले इंसान होके जमीन पे बैठा है, जानवर होके गाड़ी में जा रहा हूं। यस या नो? सपने बहुत बड़े थे। अब आप भी बहुत सारे लोग होंगे जिनकी फैमिली बराबर बोलती होंगी कि देखो इतनी साल नौकरी हो गई, अब एक अपने लिए प्लॉट तो खरीद ही लो, कैसे भी करके 2-4 लोगों से कर्जा लेकर के प्लॉट तो। और दोस्त ऐसा ही मेरे साथ हुआ, हमारी फैमिली बोलती थी ऐसे तो जिंदगी निकल जाएगी, एक प्लॉट तो खरीद लो। अब मुझे बताइए, यदि किसी व्यक्ति के पास यदि अर्निंग का केवल एक ही साधन है, तो वो पैसे लेके ही दूसरों से अपना प्लॉट खरीद सकता है। यस या नो? बहुत सारे लोग ऐसे होंगे, 99% लोग, चाहे गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो या प्राइवेट एम्प्लॉई हो, किसी न किसी से सहायता लेकर के प्लॉट लेते होंगे। यस या नो? दोस्त यही मेरे साथ था, पैसा खाते में था नहीं, मैंने मैडम से बोल दिया प्लॉट खरीद लेते हैं, तो मैडम ने बोला कैसे भी हम एक टाइम चटनी से रोटी खा लेंगे, लेकिन अगर हमारे पास प्लॉट आ गया तो कम से कम बोलने के काबिल तो हो जाएंगे। क्योंकि गांव जाते थे तो गांव में मम्मी बोलती थी कि बताते थे फलाने ने ये खरीद लिया, फलाने ने ये खरीद लिया, तो मेरे को 2 नंबर का पैसा आ रहा है तो कुछ भी खरीद सकता है। यस या नो? तो हमने भी दोस्त एक हिम्मत करके 4 लोगों से कर्जा लेकर के एक प्लॉट खरीदा, और आप जानते हो जो आदमी की पूरी जमा पूंजी खत्म हो जाए तो 10 रुपए का नोट भी ऐसा लगता है कि 1000 का नोट है, भगवान खत्म नहीं हो जाए कैसे भी करके। यस या नो? और दोस्त वो जीवन जी रहा था उसी समय, आप भी जानते होंगे कि आदमी के पास पैसा नहीं होता तो बचाने के बहाने ढूंढता है, और जब हो जाता है तो खर्चे करने के बहाने ढूंढता है। यस या नो? और दोस्त अपना भी सेम ही था, जब हमारी मैडम से हमने समझौता किया कि बच्चों को छोड़कर के आना है, शास्त्री नगर में एक स्कूल था उसमें हम बच्चों को पढ़ाते थे, तो वहां पर हमने ये गोल बनाया कि सुबह में छोड़ के आया करूंगा और दोपहर में तू लेके आया करना, तो 300 रुपए बचाने के लिए दोस्त हम 2 किलोमीटर भागे जाते थे,
और जब बच्चों को कई बार ऐसा होता मैडम सोचती थी कि उनकी आज छुट्टी जल्दी हो गई है और बच्चों को लेकर के आ रहे होंगे, और दोस्त इसी समय के ऐसा हुआ कि मैं नहीं जा पाया और घर गया तो मम्मी मैडम से पूछा कि बच्चे कहाँ हैं, तो मैडम ने बोला मैं तो सोच रही थी आप लेकर के आ रहे होंगे। और दोस्त डेढ़ डेढ़ घंटे तक मेरे बच्चे स्कूल में रहते थे और मुझे अपने आप से घृणा सी होती थी कि हे भगवान, इन बच्चों को मैंने अपनी खुशी के लिए पैदा किया है, कहीं ना कहीं मैं इनकी परवरिश नहीं कर पा रहा। और वहां जाता था स्कूल में, बोलता था जो काम करने वाला था, भाई साहब आपके चक्कर में डेढ़ घंटे से बैठा हूं, कहां रह गए थे आप? तो मैं बोलता भाई साहब अधिकारी साहब आ गए थे इसलिए मैं लेट हो गया, मैडम बीमार है। ऐसे दोस्त तुम्हें निकाल रहा था भगवान से, बोलता हे भगवान जब ऐसी जिंदगी देनी थी इससे बढ़िया तो जिंदगी नहीं देता। और कई सारे लोग ऐसे होंगे जो ऐसे सोचते होंगे, यस या नो? लगातार टाइम निकल रहा था मैडम के बीमार, आप जानते हो पैसा नहीं होता तो बीमारियां भी ज्यादा लगती हैं, यस या नो? आप देखेंगे आप पैसा नहीं है तो घर में बीमारी ज्यादा लगेंगी, और मैडम भी बीमार चल रही और उसको दिखाने तक के लिए पैसे नहीं, अस्थमा की प्रॉब्लम हो गई थी। तो मैडम ने बोला कि आप मुझे दिखा के लेकर के आ जाओ, कम से कम ये तो पता चल जाएगा कि मेरी बीमारी क्या है। और दोस्त उसी जगह गुस्सा तो बहुत आती थी अपने आप पे, क्योंकि सोचता था कि कोई भी बात अपनी बेटी का हाथ अगर गवर्नमेंट आदमी के हाथ में दे रहा है तो ये समझ, जो समझ के दे रहा है कि उसकी बेटी का लालन देखभाल और खाना पीना तो अच्छे तरीके से कर ही लेगा, यस या नो? और कहीं ना कहीं मैं वो नहीं कर पा रहा था। तो दोस्त जब मैडम को दिखा के लेके गया, 200 रुपए बहुत बड़ी बात हुआ करती है जब पैसा नहीं होता आदमी पास में, दिखाया और दिखाने पर लाने के बाद जैसे ही मैंने पर्चा दिया और डॉक्टर मैडम ने बोला कि ये दवाई तो हमारे पास पहले से रखी है, इनको लेने की कोई जरूरत ही नहीं है। तो दोस्त और कलेजे में लगी, क्योंकि मुझे पता था कि घर में कोई भी काम अभी है नहीं, मुझे लगता कि दुनिया की सबसे अगर बढ़िया अगर फैमिली अगर किसी के पास है तो मेरे पास है, क्योंकि वो कभी डिमांड नहीं करती थी, कभी डिमांड नहीं करती थी। थैंक यू। क्योंकि वो धीरे से पीछे जब मैं घर पर बटुआ छोड़ जाता था तो फर्स्ट चेक करती थी कि कितना पैसा है इसमें। बहुत सारी ऐसी बहन जी होंगी यहां पर जो देखती होंगी, यस या नो? यस या नो? और जब उसको दिखता कि इसके अकाउंट में जेब में 100-200 रुपए, तो इससे कहूं क्या? दोस्त ऐसे जीवन निकल रहा था, ऐसे जीवन निकल रहा था। भगवान से बोलता भगवान कोई मौका तो दे, नौकरी करने के बाद भी मैं सोचता था कि कैसे भी करके मैं कोई प्राइवेट जॉब और कर लूं जिससे मुझे 5-7 हजार रुपये और आ जाए। तैयारी कर रहा, रात भर पढ़ता था दोस्त, जितनी भी ये इंसाइक्लोपीडिया है, चाहे वर्ल्ड हिस्ट्री है, चाहे ज्योग्राफी है, चाहे जो भी पूछना चाहवा एकदम सारी चीज, रात को ड्यूटी जाता था पढ़ता था पूरी रात। बस एक ही सपना था कैसे भी करके मुझे यूपीएससी क्रैश करना, एग्जाम भी दिए मैंने आपके द्वारका में। और भगवान से बोलता भगवान अगर मैं अगर आदमी की जिंदगी अच्छी बनती है बच्चों की तो वो आदमी की वजह से बनती है, यस या नो? यस या नो? और दोस्त यही करते चले आ रहा था, लेकिन एक दिन से अचानक मेरी मैडम ज्यादा बीमार हुई और उसने वो बीमार होने के बाद उसको दिखाने तक के लिए दोस्त हिसाब नहीं था। बेचारी बोलती थी तो बोलती थी 10-20 रुपए रख जाना, कम से कम हरी मिर्च हरा धनिया ले लेंगे जिससे हम अपने लिए क्या है चटनी वगैरह बना लेंगे। और ऐसे दोस्त समय निकलते चले जा रहा था, एक दिन अचानक से, क्योंकि मैं आपके सामने खड़ा एथलेटिक्स में और स्टेट तक मैं शूटिंग में खेला हुआ हूं, लोग दोस्त जहां कहते थे कि यार कुछ भी हो जाए जीवन बड़ा बन जाएगा बन जाएगा, मेरे दोस्त ने मेरे से आके बोला कि पंकज मेरे पास एक ऐसी जानकारी है जिससे तेरी जिंदगी सिक्योर हो जाएगी। तो मैंने बोला मेरी जिंदगी तो पहले से सिक्योर है भैया, गवर्नमेंट एम्प्लॉई हूं, 60 साल तक नौकरी करूंगा और मुझे क्या जरूरत है, और मुझे किसी काम की जरूरत भी नहीं है। लेकिन ज्यादा जबरदस्ती करी उसने और घर जाने की जल्दी करी, तो मैंने कहा कि चल ठीक है, चल सुन लेता हूं एक बार। और घर दोस्त गया, उसने जैसे ही प्लान दिखाया और वहां बताया कि यहां से कमा सकते हो पंकज जी 50 लाख रुपया 4 साल। और जैसे ही बताया और बताया कि यहां से अनपढ़ आदमी टेलर दूध वाले यहां से लाखों रुपए कमा रहे, तो मेरे मन में एक ही विचार आया, मेरे दोस्त जब ये टेलर कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूं। जब मैं कर सकता हूं, और मैं दोस्त ये प्लान लेके लोगों के पास जाता, मैं कहता भैया जुड़ जा,
नहीं आएगी। ऐसा कर पहले तो तू अपनी जिंदगी बदल ले, जब तेरी जिंदगी बदल जाए तो तेरे तुझे देख के मेरी जिंदगी बदल जाएगी। यस या नो? होता है कि नहीं? लोगों के पास जाता कि भाई जुड़ जा जिंदगी बदल जाएगी, बहुत बड़ा काम होगा, तो बोलते पंकज सुना है कि इसमें जुड़ने के बाद लोग कार लेकर के आते हैं। तो मैंने कहा मैंने सुना तो है कि ऐसा करना है जब तू कार ले आए ना तो मैं तेरी कार का ड्राइवर ले लूंगा, ड्राइवर तो बना लेगा। मैं कि इसको लाखों रुपए की जानकारी देने आया हूं और बंदा ड्राइवर बनने को तैयार है लेकिन करोड़पति बनने को तैयार नहीं है। नहीं, और एक रुपया आया नहीं, एक रुपया आया नहीं। लोगों के पास जाता लोग बोलते पंकज बहुत आई और बहुत गई। मैं बोलता भैया 14 साल से चल रही है लगातार। लोग बोलते जो पहले जुड़ गए उनको फायदा हो गया। मैं क्या अब लोग पैदा होना बंद हो रहे हैं क्या? यस या नो? अब ज्यादा पैदा हो रहे हैं कि पहले ज्यादा पैदा हो रहे थे? तो दोस्त ऐसे लोग मजाक उड़ाते थे और मेरे को देख के बोलते डायमंड, अरे चाय तो पिला दे भाई डायमंड। मजाक उड़ाते थे मेरे दोस्त और चेक गांधी राम ने कहता भाई जुड़ जा जिंदगी बन जाएगी। पहले बोलते पहले तू अपना चेक देखा तूने कितना कमाया, बोलते कि नहीं? सभी लोग के मुंह में मेरा तो कुछ खा रखा है। यस हेलो बोलते हैं। और जब जाता तो मैंने कहा कि यार मैं अपराधी को फोन किया कि मैंने कि सर गुरुजी मुझे बताओ बहुत दिन हो गए चेक नहीं आ रहा, कैसे चेक आएगा? और उन्होंने बोला पंकज जी मेरी गारंटी है इस वीक आपका चेक आएगा। तो मैंने कहा बताओ सर जब से क्यों नहीं बताया जल्दी बताओ? उन्होंने बोला पंकज जी आप अपनी 2 ID और लगा लो और आपका चेक आ जाएगा। थैंक यू। और दोस्त मैं तो ये बात सोची क्या रही तो ये वही वाली बात होगी कि ओखली मेरी मूसली मेरा बबड़ी मेरी। अब मैंने कहा कि जब कोई बिजनेस में कूदे हैं तो 2 ID और लगा के देख लेते हैं और मैंने 2 ID लगा दी। साहब पैसा नहीं था लेकिन लगा दी एडजस्टमेंट करके और मेरा चेक आ गया 1000 रुपए का। तो मैंने दिखाया मेरे यार खुशी हुई मुझे चेक आ गया और मैं लोगों के पास लेके गया कि देख भाई मेरा चेक आया है। पहले क्या कॉपी निकालनी पड़ती थी तो बंदे ने ऐसे देखा अच्छा ऐसे कितने बनवा के लेके आऊं ये बताओ। मैं कि यार इसने तो 20,000 रुपए पानी फेर दिया एक ही बार में। लोग दोस्त मजाक की तो जब आदत होती थी जब जाके ये बोलते कि यार ये तो अभी भागने वाली हो 1 महीना में जाने वाली है। और मैं घर पहुंचा तो घर में हमारी मैडम को पता चल गया कि इसने 20,000 रुपए लगा दिया। और जब मैं घर गया तो मैडम ने घर फोन करके कहा मम्मी एक ऐसा बिजनेस चालू किया है कि 20,000 लगाओ और 1,000 कमाओ, इतना बड़ी बिजनेस चालू किया। थैंक यू। और घर पे फोन करके एक ही बात बोलती मम्मी अभी आमंदनी नहीं है अभी तो जामंदनी जामंदनी हो रही है, होती नहीं होती शुरुआती लेवल पे। और क्योंकि आप जानते हो लेडीजों को कोट सवार खा रखा रहता है या तो वो कहीं साड़ी में घुसा रहेगा है ना या कहीं ना कहीं डब्बे में अंदर रहता है। यस या नो? तो मैं बोलता तू क्या करेगी मेरे काम आ जाएगा तो तेरे काम आ गया, घर में बैठी बैठी क्या करेगी? यस या नो? तो दोस्त हमारी मैडम भी यही सोचती थी भगवान कोई रिश्तेदार आ जाए तो कम से कम 100-200-500 बिदा दे के चले जाएगा। तो मैं वो अपनी घर से आती थी मार्केट से बिदा वाला लेकर के आती थी तो मैं पूछता हूँ हाँ भाई हालांकि मैंने कभी लिया नहीं लेकिन उसके ऊपर छोड़ा है पीडीए ने कभी छोड़ा नहीं उसके ऊपर भी। और दोस्त ऐसे करके समय निकल रहा जैसे मैं घर जाता मैडम बोलती आज कुछ हुआ क्या, आज कुछ जुड़ा क्या? तो मैं घर जाता मैं अभी जुड़ेंगे चिंता मत करो तो बहुत जोड़ेंगे जबरदस्त होगा काम। तो हंसती बोलती कि पता नहीं इसके साथ कुछ सुबह से शाम तक पागलों की तरह घूमना है और लेना देना कुछ भी नहीं। और जैसे ही वीक आता तो वीक में बोलती कितना चेक आया आपका? तो मैं बोलता यार इसको बताने के लिए मैं 2,000 का चेक आया, चिंता मत करे। तो उसने बोला दिखाओ और जब ID खोल के दिखाई तो इनकम जीरो। और हंसती है बहुत ज्यादा हंसने के बाद बोलती है कि हमारा आदमी दुनिया का इकलौता ऐसा आदमी है कि 7 दिन काम करने के बाद इनकम आ रही है जीरो। अगर कोई लेबर भी काम करके आएगा ना 7 दिन के लिए तो 300 रुपए के हिसाब से 2100 रुपए कमा के लाएगा लेकिन कमाने वाने की दूर की बात घर में जो पैसा वो भी नहीं रहना। ऐसे दोस्त जो है दूसरा वीक आया दूसरे वीक में दोस्त इनकम आई जीरो।
लेकिन मैडम पूछती कितना पैसा आया, तो मैंने कहा 1000 आया, तो मैं क्या पता भरोसा कर लिया 1000 पे। दोस्त तीसरा वीक आया 0, और चौथे वीक में बोल रही कि अभी इस बार कुछ आया कि नहीं आया, तो मैंने कहा तेरी कसम खा के कह रहा हूं अभी मुझे चेक आया। और उसने खोल के जल्दी से देखा, और देखने के बाद जाना चाहूंगा उस महीने की कितनी इनकम थी। Yes! Yes या no? Yes! उस पूरे महीने की इनकम थी मेरे दोस्त 270 रुपए। और मेरी मैडम ने बोला, हंसती है बहुत ज्यादा, कि बता कितना काम किया, इतनी इनकम कमाई है, अब इतनी बड़ी धनराशि का क्या करोगे? तो मैंने क्या करूंगा, रिचार्ज करवाऊंगा और क्या करूंगा, क्योंकि पहले 2014 में जियो नहीं आया था। यस या नो? 395 रुपए का 1 GB डाटा निकलता था कि नहीं? Yes. और दोस्त ऐसे करके बराबर काम चलते चले जा रहा था। घर में दोस्त यकीन करें कि जैसे अभी बता रहे थे कि हमारी मैडम भी बोलती थी कुछ नहीं पागल तो भाग रहे हैं, हमारे घर वाले बोलते कि साले एक कंपनियों में कुछ रखा देखा नहीं है, लेकिन अगर कुछ हो गया ना तो कंट्रोल लेके भीख मांग लेना गोवर्धन में, मेरे से कहना मत 1 रुपया दे दू। हमारे यहाँ गोवर्धन जी महाराज है, आपने सुना होगा। नो? Yes. और दोस्त ऐसे करके बिजनेस को करता चला गया, लोगों से मिलता, लोग बोलते कुछ नहीं होगा, पागल बनाने वाला काम है भाई। ऐसे दोस्त बिजनेस को करता था, लोगों को भरोसा दिलाता, भरोसा नहीं करते थे, लेकिन अपलाइन ने बोला कि पंकज जी जिस चीज पे जगह सा है उसने इतिहास लिखा है, अगर आप पे भी, थैंक यू, अगर आप पे भी लोग हंस रहे हैं तो बताइयो आप गारंटेड डायमंड बनोगे, गारंटेड डायमंड बनोगे, थैंक यू। और दोस्त ऐसे लगातार बिजनेस को करते चले जा रहा था, रात को ड्यूटी किया करता था, दिन में काम किया करता था, रात को ड्यूटी दिन में काम, और यही करते 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 1 भी आया, 10 भी आए, 1000 भी आए, आज ऑल ओवर इंडिया में लगभग 70,000 लोग दोस्त आज मेरे साथ काम कर रहे हैं, ऑल ओवर इंडिया, थैंक यू। लोग दोस्त कहा जाता है कि मेरे को मेरे अपलाइन ने एक कहानी बताई थी, मैं आपको जरूर शेयर करना चाहूंगा। एक बार एक बहन ने अपने भैया के घर फोन किया, और भाभी ने फोन उठाया, और बहन ने बोला, भाभी मैंने राखी भेजी थी आपको, मिली क्या? तो भाई बोलते, बहन जी राखी नहीं मिली। दूसरी बार फोन किया, राखी मिली? उन्होंने कहा नहीं मिली। तीसरी बार फोन किया, चौथी बार फोन किया, पांचवी बार बहन ने बोला कि भाभी कोई बात नहीं, अगर आपको राखी नहीं मिली तो मैं खुद ही लेकर के आ जाती हूं। 10 मिनट बाद भाभी का फोन आता है बहन के पास, और कहती है, बहन जी आप परेशान मत हो ना, जो आपने राखी भेजी थी ना वो मिल गई है। और बहन दोस्त इसी कोने में जाकर के रोने लग गई, और उसी समय उसका बेटा बेटी आए, और बोलते मां रो क्यों रही हो? तो मां ने बोला कि बेटा मैंने ऐसे से फोन किया, और मेरे समझ में एक बात नहीं आ रही कि जब मैंने कोई राखी भेजी नहीं तो उसे मिल कहां से गई। और एक बात बहुत पते की बोली मेरे दोस्त उसने, कि टूट जाते हैं गरीबी में वो रिश्ते जो खास होते हैं, हजारों यार बनते हैं जब पैसा पास होते हैं, मेरे दोस्त पास होते हैं, थैंक यू। गरीब आदमी को कोई अपना दोस्त नहीं बनाना चाहता। मैं लोगों से जुड़ता आगे, अरे जब तेरी कार आ जाए तो ये कर लेंगे, और जो तेरा तो कुछ भी होने वाला नहीं है, आस पास नहीं दिखेगा, मजाक उड़ाने की दोस्त हद होती थी लोगों की। लेकिन मेरे अपलाइन बोलते थे, पंकज जी जिन्होंने भी इतिहास बनाए हैं आज उन पे पहले लोग हंसते थे। यस से नो? यस। और ऐसे दोस्त काम करते चला गया बिजनेस के भीतर, लोग बोलते पैसा नहीं आता सर। मैं कहूं 2017 में मैं 1.5 लाख की कढ़ाई पे घड़ी पहनता था कॉन्स्टेबल होते हुए, 2018 में 1.25 लाख का फोन यूज करता था, और दोस्त आज बड़े गर्व से कह सकता हूं कि अभी जयपुर के भीतर 2 करोड़ का मकान बनाया दोस्त। लोग बोलते कुछ नहीं होगा, मैंने अपनी मैडम के जन्मदिन पर, जो कहा जाता है कि इस दुनिया के भीतर माँ बाप के बाद अगर सच्चा कोई ऐसी होता तो फैमिली होती है। यस या नो? और मेरे अपलाइन ने बोला, पंकज जी आप किसी की भी नजर में हीरा मत बनिए, जिस दिन आप अपने माँ बाप और अपने बीवी बच्चों की नजर में हीरो बन जाओगे, आपसे बड़ा हीरो दुनिया का दूसरा नहीं होगा। यस या नो? यस या नो? और दोस्त यही करते चला गया। अपलाइन से पूछता, गुरु जी कैसे? बहुत सारे आप देखते होंगे कि लेवल आने के बाद इनकम आगे आदमी आगे पीछे हो जाता है, लेकिन मेरे दिमाग में केवल 1 लाख, 20 लाख, 50 लाख, करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़,
लगभग 4 के लगभग पहुंचने वाला हूं दोस्त इस बिजनेस की वजह से। थैंक यू। लोग बोलते पैसा नहीं आएगा, आदमी आपके सामने खड़े रिटायरमेंट वाले आदमी ने इसी महीने का एक महीने का जीएसटी 1,57,000 रुपए भरा भाई साहब, इतने कर सकता हूं अभी, समझ रहे कि नहीं? इस महीने का जीएसटी जो गवर्नमेंट को दिया है 1,57,640 रुपए का दिया है। लगातार लोग कहते हैं कि गवर्नमेंट हमें कोई मौका दे, मेरे दोस्त ये बिजनेस एंटरप्रेन्योर बनने का है, व्यवसायी बनने का है, बिजनेस बनने का है, लेकिन ऐसे लोगों का बिजनेस है जिनको चुभती है लोगों की, कहते अरे तू क्या करेगा, तो उसको बोल सकते हो कि बेटा मैं ही करके दिखाऊंगा। यस या नो? शुरुआत में जीजा को प्लान दिखाया और जीजा ने मना कर दिया, मना करने के बाद दोस्त बहुत चुभी और उसी जगह मैंने कसम खाई थी कि जीजा अब तक डायमंड बनता कि नहीं बनता, लेकिन तुझे दिखाने के लिए तो जरूर बनूंगा, तो कुछ भी करना पड़ जाए। थैंक यू। आप कर सकते हैं कि नहीं? यस या नो? लगातार बात करूं कंट्रियों की, 19 कंट्री घुमा हूं मेरे दोस्त अभी तक, स्विट्जरलैंड, पेरिस, जर्मनी, फ्रांस, लुजन, ज्यूरिख, दोहा, कतर, रशिया, सेंट पीटर्सबर्ग, मॉस्को, बैंकॉक, पटाया, थाईलैंड, रूस, स्पेन, मैड्रिड, बार्सिलोना, काफी सारी कंट्री घुमा हूं इस बिजनेस की वजह से, फैमिली के साथ भी घुमा हूं। आज मुझे बताइए कि एक कोट पेंट और साड़ी खरीदने से या ये बिजनेस करने से 0% इन्वेस्टमेंट के साथ अगर आपकी जिंदगी ऐसी हो जाए करना चाहिए कि नहीं? यस या नो? ये बिजनेस दमदार है मेरे दोस्त, और ये जिद्दी लोगों का बिजनेस है जिनके सपने बड़े हैं उनका बिजनेस है। क्या आपके सपने बड़े हैं? यस या नो? दोस्त लगातार जिन्होंने मजाक उड़ाया था, आज जब नजरें मिलती है ना तो नजरें झुका लेते हैं। बोला था जो कहा जो कर दिखाया, कर दिखाया। थैंक यू। महीने की बात नहीं करता भैया, हफ्ते का 1,00,000 रुपए कमाता है ये आदमी। 2018 से मैं 2,50,000 रुपए वीक पे था, सन 2018 में, 2018 में मैं वीक के 2,00,000 के लगभग पे था। आपके सामने खड़ा इंसान कभी से अब तक 1,00,000 रुपए से नीचे कभी गया नहीं मेरे दोस्त, एक वीक में, एक वीक के लिए बता रहा हूं। लास्ट टाइम की जो बड़ी इनकम थी वो 2,43,000 एक वीक की थी लास्ट टाइम की। आप मुझे बताइए कि आज काम करें तब भी पैसा और नहीं काम करें तब भी पैसा, चाहते हैं आप? यस या नो? यकीन करें मेरे दोस्त, ये बिजनेस इतना दमदार है। और आपका जो कोच है, आपका मेंटर, मैं कहूं आज मेरे साथ लगभग 70,000 लोगों के नेटवर्क है, लेकिन अगर नंबर 1 का कोई लीडर है तो मैं जरूर चाहूंगा एक बार जोरदार ताली बंतू राम जी के लिए जरूर दीजिए, जोरदार ताली बंतू राम जी के लिए जरूर दीजिए। आप इनकी गाइडलाइन में है दोस्त, मैं आपको यकीन से कह सकता हूं आप सिस्टम पर चलना, अपने काम को करते करते 3 से 4 साल में आप लोग वहां से यहां आ जाओगे, चाहते हैं आना? यस या नो? जब मेरे जैसा आदमी कठिनाइयों को क्लोज करने के बाद, क्योंकि देखो इंसान की जिंदगी जब तक रहेगी परेशानियां रहेंगी, यस या नो? लेकिन अगर आपने परेशानी अगर दूर करनी है, प्राकृतिक परेशानी की नहीं कहता, लेकिन 95% जो परेशानियां होती है ना मेरे भाई, वो पैसे से खत्म हो जाती है। यस या नो? यस या नो? ये आपके पास मौका है, आप खत्म करना चाहते हो। लोग बोलते थे कि तू एक ईंट नहीं लगा पाएगा, ईंट कहां घूम रहा है? तो दोस्त अभी उसकी वीडियो बनेगी, वो देखेगा कि टाइगर ने 2 करोड़ का घर बनाया है, जो कभी सोच भी नहीं था। थैंक यू। दोस्त अगर आपके लोग हंस रहे हैं इसलिए हंस रहे हैं क्योंकि उनको आपकी काबिलियत पर शक है, करके दिखा दोगे उसकी जनरेशन तक काबिलियत खत्म हो जाए, जनरेशन तक शक खत्म हो जाएगा, कर सकते हैं कि नहीं? आज दोस्त यकीन करें, आज मैं सोने का ही पैसा कमाता हूँ, आज दिन का मैं 30-32,000 रुपए कमाई लेता हूँ, काजू बादाम खाता हूँ तो 1,000-2,000 रुपए बैठे बैठे 5,000 रुपए कमा के चले जाऊंगा। यस या नो? यस या नो? आप भी चाहते हैं कि आपकी जिंदगी इतनी दमदार हो, तो एक बार दोस्त काम करने की जरूरत है। और सबसे बड़ी बात अगर मैं आपको बोलूं तो फोकस ऑन टारगेट, अभी गोवा का टारगेट है, थाईलैंड का टारगेट है और ग्रीस का टारगेट है। अगर आपने टारगेट क्वालिफाई करने पे अपने नेटवर्क को और खुद को डाल दिया तो मैं गारंटी से कह सकता हूं इसी हॉल का बैठा हर एक इंसान
ढाई साल के भीतर डायमंड बन जाएगा, ढाई साल के भीतर। थैंक यू। करना चाहते हैं सर लोग? yes! करना चाहते हैं? yes! जब मैं आ रहा था रास्ते में, क्योंकि काफी समय बाद आया हूँ, तो बत्तू जी कह रहे सर एकदम जबरदस्त टीम है, एकदम जोशीली टीम है सर, एकदम आपको लगेगा कि नंबर वन की टीम है। तो मुझे आपको देख करके वाकई लग रहा है कि आप सारे के सारे लोग नंबर वन ही बैठे हैं। थैंक यू। आज नेटवर्क के भीतर डायमंडों की लाइन लगी हुई है। इसी साल में 121 डायमंड मेरी तरफ से बन रहे हैं, 121 डायमंड। थैंक यू। और जिसको इस हॉल में मौजूद आदमी कसम अगर कमिटमेंट करता है कि मैं सिस्टम की बात फॉलो करने को तैयार हूं, तो गारंटी है दोस्त, 2 से 2.5 साल के भीतर आप 50 लाख रुपए कमा जाओगे यहां से। कर सकते हो कि नहीं? कर सकते हो कि नहीं? दोस्त, ये मेरी शुभकामनाएं आपके लिए है। बस इतना जरूर कहूंगा आपसे कि कोई भी डाउट है यही क्लियर करके चले जाना, कोई भी डाउट हो तो। लेकिन यहां से जाने के बाद ये मत बोलना कि यार मैंने उसका ये चीज तो चेक ही नहीं किया। यस या नो? करके जाना, सारी चीज एकदम प्रूफ के साथ दिखाने को तैयार है। बिजनेस दमदार है, लीडर दमदार है। आपके लीडरशिप में ओमकार जी हैं, विनोद जी हैं, प्रताप जी हैं, मनोज जी हैं, बहुत ही जबरदस्त लीडर हैं। इनके साथ आप मिलकर काम करिए, गारंटी से जीवन सेफ होगा। कर सकते सारे लोग? yes! और कमिटमेंट एक ही करिए, टारगेट को क्वालिफाई करके दिखाना है, दिखा सकते कि नहीं? yes! शुरुआत में मैं अपनी मैडम को वीडियो दिखाता था कि देख एक दिन बोलेगी कि पति हो तो ऐसा, आप भी बोलते होंगे यस या नो? हमारी मैडम बोलती थी कि इस जन्म में तो मैं नहीं बोलूंगी। आज वही मैडम है, बोलती है भगवान हर जन्म में पति मिले तो ऐसा मिलना चाहिए। यस या नो? आप भी चाहते हैं? आज मेरे माँ बाप को गर्व महसूस होता है, आज जहां से निकलते हैं छाती चौड़ी करके निकलते हैं। अरे मेरे दोस्त, हम उनके कर्ज को नहीं चुका सकते, लेकिन आपकी सक्सेस से उनका सीना चौड़ा हो जाए तो ये तनिक सा कर जरूर उतर सकता है। यस या नो? yes! कर सकते हैं सारे लोग? yes! तो एक बार अपनी सीट से खड़े हो जाइए मेरे दोस्त, जल्दी से खड़े हो जाइए। आप 3 बार कमदारी से बोलेंगे, 2021 में हम डायमंड बनके दिखाएंगे। कर सकते सारे लोग? yes! कर सकते सारे लोग? yes! रुकना मत और किसी की मानना मत, अगर आप बिजनेस के भीतर दमदारी से काम करना चाहते हैं। कर सकते सारे लोग? yes! तो दोस्त जरूर 3 बार बोलेंगे आई एम एन, आई एम एन।